नमस्कार दोस्तों, पंचऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश को पढ़ रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी झीलें ताल एवं कुंड महत्वपूर्ण हैं। तो हम प्रदेश की प्रमुख झीलें ताल और कुंड को पढ़ेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन से किस किस स्थान पर स्थित हैं। बहुत सारे प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, तो उन सबके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें ताल एवं कुंड। कीमट ताल, कीमट ताल आगरा में स्थित है। कीमट ताल आगरा में स्थित है। कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। बलहपारा कानपुर में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। अलवारा झील कौशाम्बी में। नोट करते रहिएगा आप लोग, पूरी टेबल महत्वपूर्ण है। राधा व श्याम कुंड या मानसी गंगा कुंड गोवर्धन मथुरा में, गोवर्धन जो जगह है मथुरा में वहां पर स्थित है। ये रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। लक्ष्मी ताल झांसी में है और बरुआ सागर तथा भसने झील झांसी में है। बरुआ सागर व भसने झील झांसी में है। बेती अजगरा व नैया झील प्रतापगढ़ में। नोट कर लीजिएगा, बेती अजगरा व नैया झील प्रतापगढ़ में है। फुलर झील पीलीभीत है, इसी से आपकी गोमती नदी निकली है, फुलर झील से, जो पीलीभीत में। दखन झील फैजाबाद में है। मोराई झील फतेहपुर में है। लीलोर झील, कई बार ये प्रश्न इसमें आया है, लीलोर झील बरेली में है। जिरगो जलाशय मिर्जापुर में है। सिरसी जलाशय भी मिर्जापुर में है। मदन सागर महुआ में है, ये भी प्रश्न आ चुका है, मदन सागर महुआ में है। और डांडा बेलताल दरारगढ़ भी कहते हैं, ये भी मिर्जापुर में है। नोमो झील मथुरा में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। शुक्रताल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। बुगे ताल व बिसेथा ताल रायबरेली में है। मोती व गोरी झील रामपुर में है। नोट कर लीजिएगा, मोती व गोरी झील रामपुर में है। करेला व इतोजा झील लखनऊ में है। नोट कर लीजिएगा पूरी टेबल को, करेला व इतोजा झील लखनऊ में। आंधी ताल वाराणसी में। आंधी ताल कहाँ पर है? वाराणसी में। लोधी व भोजपुर ताल सुल्तानपुर में है। राजा का बांध भी सुल्तानपुर में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। बखीरा झील कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। गोविंद पल्लम ये कृत्रिम झील है, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में है। तो इस पूरी टेबल को आप लोगों ने नोट कर दिया। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य बांध कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं, कन्हार बांध ये निर्माणाधीन है, भी कौन सी नदी पर है? कन्हार नदी पर है, जिला है सोनभद्र। कन्हार बांध निर्माणाधीन है, कन्हार नदी पर है और सोनभद्र जिले में है। जिरगो जलाशय बांध 1958 में ये बना था, जिरगो नदी पर है, मिर्जापुर में। ये भी हमने ऊपर भी देखा था जिरगो। मूसा कैम ये करमनासा नदी पर है और चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो इसको देख लीजिएगा। ये मूसा कैन करमनासा नदी पर है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध 1958 में ये बना है, बेतवा नदी पर है और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। रामगंगा बांध 1978 1978 में बना है, कहां पर? रामगंगा नदी में और बिजनौर जिले में ये आता है धामपुर। रामगंगा काठी बांध ये भी 1978 में बना है, रामगंगा पर बिजनौर जिले में बना है। मेजा जलाशय बांध ये भी निर्माणाधीन है, बेलन नदी पर है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है, डिस्ट्रिक्ट महोबा है। सरयू बांध सरयू नदी पर है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। बाण सागर बांध सोन नदी पर है,
शहडोल मध्य प्रदेश में ये बना हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा यूपी में आता है इसलिए इसको नोट कर लिया है, लेकिन ये शहडोल मध्य प्रदेश में मुख्य है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। तो ये हमने यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्य बांध हैं और जो झील ताल हैं उनका हमने अध्ययन किया। आप इसको नोट कर लीजिएगा पूरी टेबल को, मैं और दिखा देता हूँ पूरी टेबल, आप इसको पोज कर करके पूरी टेबल नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।